ड्राइविंग सीट की तरफ अगर टक्कर लगी है, जिस बड़े ट्रॉले को टक्कर मारी गई है, जाहिर सी बात है वो सड़क के बीचों बीच या फिर सीधी तरफ होगा। इसीलिए सीधी जो ड्राइविंग सीट है वो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। अगर ट्रॉला सड़क के किनारे खड़ा होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे टक्कर लगनी थी, और लेकिन टक्कर राइट हैंड साइड पर के साथ दिल्ली की तरफ से जा रहे हैं। कर रही है पूरे तीनों ट्रेन को जो है रिपीट किया जाएगा, इसके लिए तमाम तैयारी कर ली गई है। कितनी रफ्तार से गाड़ी आ रही होगी भाइयों, ये देखो ये गाड़ी आगे से आधी बिल्कुल खत्म हो रखी है, और इसमें एक भी इंसान के बचने के कोई संभावना नहीं है। ये कहने लग रहे कि एक इंसान एक लड़की जो है वो बच गए है। ये देखो कितनी बड़ी ये साजिश रची गई, आधी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई है। किस तरीके से गाड़ी टक्कर हुई है, गाड़ी की हालत देख हर कोई अंदाजा लगा सकता है टक्कर रही होगी। हालांकि क्या ये सिर्फ दुर्घटना थी या कोई साजिश, इससे अभी इनकार नहीं किया जा सकता, और हर एंगल से पुलिस भी जांच कर रही है। जबकि कुछ दीप सिद्धू को जानने वाले हैं, उनसे हम पूछते हैं, ये बताइए आप जानते हैं दीप सिद्धू? हाँ बिल्कुल भाई, हम अपना अच्छा दोस्त भी था, हम बॉर्डर पे भी साथ रहे, और अच्छी उनकी भूमिका रही है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे, मिलनसार थे, बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे कुछ पता है? देखो दिल्ली से आकर वो घर जाने लगे, और ये देखो ना ये गाड़ी बिल्कुल आधी खत्म हो गई है। इसे ये हादसे में आप ये अंदाजा लगाओ कि आधी गाड़ी खत्म होने के बाद उसके बचने के कोई चांस नहीं बचते, एक भी बंदा इसमें बच नहीं सकता। उसके बाद भी ये देखो ना कुछ तो इसमें बड़ी वो हुई है, आधी गाड़ी खत्म हो गई। इस पर कोई साजिश लग रही है, क्या लग रहा है कि सड़क हादसा है? बिल्कुल ये साजिश हो गई, ये देखो बिल्कुल आधी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। ट्रक ये देखो अगर जब जाने लग रहे हैं लेफ्ट साइड खड़े हुए, सिद्धू जो है पंजाब के चुनाव में लगातार प्रचार भी कर रहे थे, और काफ़ी बड़े जो है किसान आंदोलन के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें छब्बीस जनवरी जिला मामले में आरोप लगाया था, उस काफ़ी बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, और ऐसे में अचानक उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसको लेकर अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। और शायद इसीलिए हरियाणा पुलिस किसी भी मामले को हल्की नहीं, एक भाई कहने लग रहा है भाई पीछे से मार रखी, साजिश कैसे हो सकती है? नहीं ये बता कर रोड पे जाने लग रहे हैं, तो अगर टक्कर पीछे से लगती है तो वो ड्राइवर साइड से कैसे लग जाएगी? ड्राइवर साइड से सब लगेगी ना, चाहे तो ट्रक दूसरे रोड पे खड़ा हो तभी तो ड्राइवर साइड से लगेगी। और रही बात ये भाई जिस तरह से मार रखी है गाड़ी, आधी गाड़ी खत्म हो रखी है, तो उसमें एक बंदे के बचने के चांस नहीं है। तो किलोमीटर की जनता की रफ्तार जो है ऐसे में यहाँ पर बहुत तेजी से जो वाहन है वो दौड़ते हैं, और अगर कोई भी शख्स अपनी गाड़ी को या ट्रॉला को ऊपर से बीचों बीच खड़ा कर देगा तो ऐसे में भाई ये एक रूल है इस देश के अंदर बन गया, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा उसको इस तरह से इस चीज़ों का शिकार होना पड़ेगा। ये देखो जब ये गाड़ी बिल्कुल आधी गाड़ी खत्म हो रखी है, आधी गाड़ी खत्म होने के बाद उसमें गाड़ी में आधी गाड़ी में बचने के कोई चांस नहीं है, बिल्कुल आधी गाड़ी बिल्कुल खत्म, उसमें टीडीआई भी नहीं बच सकती, आगे बैठी बिल्कुल गाड़ी खत्म है। उसमें वो लड़की को जो बताने लग रही बिल्कुल बच गई है, ये देखो कितना बड़ा साजिश रची गई है यहाँ पे। और जब अगर एक लाइन में हम चलने लग रहे हैं तो लेफ्ट साइड से लगने के चांस होंगे ना, क्योंकि रोड पे चलने लग रहे हैं, राइट साइड लगना मतलब ट्रक या तो दूसरे रोड पे खड़ा तो फिर दूसरा ओवर टैक करके दूसरी गाड़ी के साइड में लगा के और स्पीड करके दूसरी गाड़ी से रोड से नीचे उतरवाएगा, और जब उस गाड़ी में भिड़ी है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जितने मेरे साथी देखने लग रहे हो ये हर जगह हर चैनल तक हर जगह तक ये चीजें होनी चाहिए कि ये देखो ना कल हो सके इस गाड़ी को कुछ ना कुछ इसको चेंज किया जाए, और भी बहुत सारी चीजें देश के अंदर पहले भी हुई हैं, तो आप सब भाइयों को इसलिए दिखाने लग रहे हैं रात के
12:50 जो हम बताते हैं 1 बजने वाला है। रात के 1 बजने वाले हैं यहाँ पे, इतना सब कुछ कैसे कैसे खड़ा करना, तैयार करवाना, इतना सब कुछ करना। देखो इसमें दो बात तो बिल्कुल साफ है, एक तो आधी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म है, तो ख़त्म है तो लड़की बची कैसे, क्योंकि उसमें आगे पीछे बचने की कोई जगह कहीं भी कोई चांस नहीं है। दूसरी बात ये, चलती गाड़ी अगर रोड के ऊपर चलने लग रही है तो लगेगी तो सीधे रोड पर, तो लेफ्ट साइड से ही लग सकती है। अगर राइट साइड में तब लगेगी जब ट्रक या कोई वाहन रॉन्ग साइड में या दूसरी तरफ चला होगा, या ये बताने लगे खड़े ट्रक में लगी है। मैं भाइयों को देखो ये ट्रक दिखाई दूं, ये जितने अभी आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कैसे, बिल्कुल गाड़ी कैसे खत्म हो रखी है, और उसमें बचने के चांस आप खुद जितने भाई हैं देख लेना इसमें से कैसे बच सकते हैं। भाई टक्कर है ये बताने लग रहे कि खड़े ट्रक में लगी है, खड़े हुए ट्रक में लगी है, और खड़े हुए ट्रक में लग के गाड़ी बिल्कुल दूसरे रोड पे आ गई। देखो टक्कर उस रोड पे लगी है सामने हुआ, और ट्रक ये खड़ा है, ये ट्रक है जिसके पीछे पुलिस खड़ी है, ये ट्रक और ये भी इस रोड पे आए हुए बीच वाले पे गाड़ी, यहाँ वाले पे इस पे चलते चलते। टोटली प्लान है ये, बिल्कुल इसमें साजिश है। इसके फोटो वगैरह हमने गाड़ी के पीछे के अंदर के वीडियो वगैरह सब ले लिए गए। पूरी सभी भाइयों को जय जवान जय किसान।